मॉर्निंग गाइस, इट्स आवर नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग एंड टुडे अभी मतलब टाइम है मॉर्निंग 6 AM एंड यस हवा बहुत ही चल रही है. सॉरी फॉर थोड़ा डिस्टर्बेंस इस आवाज़ का ब्रेकेज, बट गेस व्हाट, आई एम इन ताबू. नाउ द थिंग इज वी आर एट द टॉप ऑफ द ताबू, लाइक वी कैन सी द ताबू विलेज क्लियरली, पूरा अच्छे से देख सकते हैं हम. आई नॉट जस्ट किडिंग इट, बहुत बड़ा है सर. हम 100 स्टेयर्स पहले ऊपर चढ़ के आए, देन वी वेंट थ्रू सम ट्रैक और नाउ ऊपर ट्रैक करके आने के बाद वहाँ पे सो हम लोग ऊपर आए थे स्टेयर्स ऊपर चढ़ के, देन वी हैड अ ट्रैक एंड ऊपर था. हम ऊपर आए थे मेन रीज़न बिकॉज देयर आर ताबू केव्स, बहुत पुरानी है. लाइक आई विजिट देयर मतलब बहुत एकदम इतना रिलैक्स फील होता था, गर्म और एकदम कम्फर्टेबल है ना ऊपर. और मुझे थोड़ा ऐसे नॉट हाइट इश्यूज नहीं है मेरे को, बट ऑक्सीजन का मुझे थोड़ा सा है क्योंकि आई हैव अ कफ एंड कोल्ड, तो उसका मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. बट नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर डीप ब्रीथिंग के बाद एंड सम रेमेडीज एंड ऑल्सो. सो येस आई विल शो यू द व्यू राइट हियर. या इट्स डैम प्रीटी लाइक. एंड हाँ, वन मोर थिंग, सब ये वाला ट्रैक जो है ना, सब ट्रैक करने नहीं आए थे क्योंकि इट वॉज लाइक ये वाला जो ट्रैक था कि थोड़ा वो था, एक्सेप्ट तो ऑप्शनल था कि अगर आपको आना है नहीं तो दे आर इन द स्टे, क्योंकि हमारे से स्टे से कुछ 5 मिनट वॉकिंग से फिर ऊपर करके ट्रैक था ये. सो यस अभी आपको भी दिखा रही से हम लोग आ गए थे अराउंड 7:30 एंड 8 AM हम लोग निकल गए थे ताबू मॉनेस्ट्री के लिए. तो ये हमारे स्टे से एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे था तो हमें ज़्यादा लेट नहीं हुआ यहाँ आने के लिए, लेकिन आप जितने भी जल्दी आओ धूप आपको हर टाइम मिलेगी. और फिर उसके बाद हम यहाँ के कुछ मॉन्क्स से मिले, हमने उन लोगों के साथ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई एंड यहाँ की लैंग्वेज में नमस्ते को जुले बोलते हैं. और इसी के साथ हम निकल जाते हैं काजा के लिए इस प्यारे से व्यू का मज़ा लेते हुए. एंड काजा पहुंचने से पहले बीच में आते हैं धनकर मॉनेस्ट्री जहां पे फोटोज प्रोहिबिटेड है. से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस में यहाँ एक कैफ़े है जहाँ पर हमने अपना मस्त खाना खाया और उसके बाद हम निकल जाते हैं अपने ट्रेवलर के पास. यहाँ पे थोड़ा सा मैंने व्यू कैप्चर किया, उसके बाद थोड़ा सा मैंने अपना को लिया ऐसे थोड़ा मस्ती मस्ती करते हुए. और फिर इसके बाद हम लोग निकल जाते हैं चीचम ब्रिज के लिए जो हाइएस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड है. तो यहाँ तो हम चीचम ब्रिज आ जाते हैं. सो ये मैंने टॉप व्यू कैप्चर कहाँ से किया ये मैं आपको बताती हूँ. जहाँ ये ब्रिज है उसी की आप इधर लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर की तरफ आओगे तो पीछे एक थोड़ा सा मिट्टी वाली जगह है, वहाँ से आपको ऊपर आना पड़ेगा. और वहाँ से आने के बाद आपको ये ऊपर बिल्कुल प्लेन एरिया मिलेगा, जैसे यहाँ पर सब लोग खड़े हुए हैं तो यहाँ कम लोग होते हैं तो आप ईजिली कैप्चर कर सकते हो. तो यहाँ पे जिमी गास का एक्सपेडिशन चल रहा था, सब अपने अपने फ़ोन्स लेके स्टार्ट हो गए थे तो वो वन बाय वन चीचम ब्रिज को क्रॉस करते हैं. यहाँ पे हर ब्रिजेस का है कि कोई भी एक साथ दो बसेस कार्स या ट्रैवलर्स जो है वो क्रॉस नहीं कर सकते हैं. अभी आप लोग, मैं आज ही किसी को बता रही थी, शायद मैम को मैंने बताया, हर मॉनेस्ट्री में अगर नोटिस किया हो तो वहाँ पे ड्रैगन्स बने हुए हैं किसी ने. हाँ, अरे भाई उसको भी रिकॉर्ड कर भाई, वही कंटेंट है, वही कंटेंट है. ड्रैगन्स जो है बेसिकली ये वाले द्वारपाल की तरह है, यहाँ पे सभी सारी मॉनेस्ट्रीज में बुद्धा के. सो व्हाई हाउ दे लाइक टर्न इनटू ड्रैगन्स इन एवरीथिंग, उसकी कहानी पूरी बताओ. ओके सो बेसिकली एक मछली थी बेसिकली छोटी जो समुद्र में होती थी
एक दिन आसमान देखा उसने, उसको लगा कि अच्छा पानी के अलावा भी कोई और दुनिया है, शायद ऐसी भी कोई ज़मीन होगी जहाँ पर पानी नहीं होगा। लेट्स फाइंड आउट। ही आस्क्ड मेनी पीपल कि आप लोग ज्वाइन करो चलो, लेकिन ओनली फ्यू जॉइन्ड। ओके लेट्स फाइंड आउट करते हैं। बट थ्रू आउट द जर्नी फॉर द मिलियन ईयर मिलियंस ऑफ ईयर्स सो दे वर थ्री ट्रैवलिंग, लोग छूटते गए, वो मछली अकेले चलती गई, लास्ट में वो अकेली बची। वन दैट फाउंड द लैंड, सॉलिड लैंड जब उसको मिला तो इट वॉज नो मोर अ फिश, वो एक मछली से ड्रैगन में कन्वर्ट हो गई थी बिकॉज ऑफ दी हार्ड वर्क एंड लाइक हीट स्विमिंग और हो सकती है। ठीक है, तो वहाँ पर जब वो पहुँचे वहाँ पर बुधा ने, तो उन्होंने देखा कि क्योंकि मछली पता है ड्रैगन सब बुआ नहीं करते ऐसा लाइक, तो उसने इतना स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत की, इतना हार्ड वर्क किया जस्ट टू फाइंड जस्ट वन थिंग जो शायद पॉसिबल भी नहीं, जस्ट फॉर वन होप राइट। सो इसलिए बुधा ने कहा कि मुझसे पहले अब तुम्हें लोग देखेंगे, दैट्स वाई तुम हमेशा मेरे साथ सामने रहोगे। द्वारपाल तो अब क्योंकि टेम्पल्स वगैरह है, जब वो एक्चुअली में एक्सिस्ट करती है तब वो हमेशा उनके साथ सामने एज अ सोल्जर। मॉनेस्ट्री के बाहर ये व्हील्स होते हैं जो मैंने तो बहुत ही गलत तरीके से घुमाए हैं, क्योंकि ये मॉनेस्ट्री से बाहर आते हुए घुमाने थे, उस पर एरोज भी थे बट वो मैंने डायरेक्शन नहीं देखी उस टाइम। और ये हम मॉनेस्ट्री के अंदर बैठे हुए थे जहाँ पे फ़ोन्स तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, बट हमने चुपके से रिकॉर्ड किया। और यहाँ पे एक अलग ही फ्रेग्रेंस थी जो बहुत ही अच्छी लग रही थी। गाइस हम आए हैं अब शाम को की मॉनेस्ट्री जो यहाँ पे गाजा में बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे ना क्या मिलती है, कौन सी टी, हर्बल टी, हर्बल टी जिससे बोला कि हमारे ना गला के जो दर्द वर्द है सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ अभी अंदर हो गया है, वहाँ कैमरा लाउड नहीं था तो वहाँ मस्त मेडिटेशन करिए दीदी ने, हमने नहीं, हम तो वहाँ झक मार रहे थे। तो रात को सब चले गए थे स्टार गेजिंग के लिए, जहाँ मैं नहीं गई थी क्योंकि मुझे फ़ीवर हो गया था। और वो जगह बहुत ही हाई अल्टीट्यूड पे है, वो लोग रात को 12 बजे गए थे, जहाँ मेरे को अलाउड नहीं था जाना क्योंकि मेरी तबीयत और ख़राब हो सकती थी। बट अब जो आप व्यू देखने वाले हो वो बहुत आई ओपनिंग होगा, माइंड ब्लोइंग व्यू। सो गेट रेडी।